हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 के इलास्ट्रेशन स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1 से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। द मासिस ऑफ पार्टिकल्स आर 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली। Each side of equilateral triangle is 0.5 meter. Okay, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास masses of particle given है। First of all हम masses of particle लिख लेंगे। First particle का mass m1 है 100 gram, second particle का mass है हमारे पास 150 gram, third particle का mass है m3 200 gram। अब ये जो सारे particle है वो equilateral triangle के vertices पे है, तो देख लेते हैं भाई equilateral triangle कैसा रहेगा। हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दिया है। ये ट्रायंगल हमने इस तरह से रखा है कि उसका एक एज, उसका एक वर्टाइसिस कहां पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, जिससे कि हम बाकी पार्टिकल के पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में नोट कर सके। बच्चों सोच लो कि ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है, ये आपका सेकंड पार्टिकल है और ये आपका थर्ड पार्टिकल है। ओके, लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है, 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर और ये भी हो गया 0.5 मीटर। बच्चों आपको ये भी पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड के बीच में एंगल होता है 60 डिग्री। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो होगा 0 0 मीटर, क्योंकि वो ओरिजिन पे है। सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बच्चों सेकंड पार्टिकल हमारा ये रहा, ये एक्स एक्सिस पे है। ओके, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे है, ओरिजिन से 0.5 मीटर पे है। ओरिजिन से 0.5 मीटर पे है तो क्या होगा, 0.50 मीटर। अब बात करते हैं थर्ड पार्टिकल की। बच्चों थर्ड पार्टिकल देखिए आप, ये पार्टिकल नहीं तो एक्स डायरेक्शन में है, नहीं तो वाई डायरेक्शन में, मतलब कि हमें इसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 0.5 cos 60 और 0.5 sin 60। आपको पता है कि 0.5 into cos 60, cos 60 हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पे 0.5, sin 60 क्या होता है, √3/2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 0.5 upon 2 करिए, क्या होगा 0.25, 0.5/2 अगेन 0.25, but √3 will remain as it is। तो बच्चों ये हमारे पोजिशन वेक्टर्स हो गए। ओके, जब हमारे पास मासिस रेडी है, पोजीशन वेक्टर्स रेडी है और हमें यह भी पता चल गया कि यहाँ पे टू डायमेंशनल सिस्टम बन रही है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, RCM, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हमें खाली वैल्यूज प्लेस करनी है और सिंप्लीफिकेशन करना है। देखते हैं कैसे होगा। मास m1 ये रहा 100 ग्राम, r1 कितना है 0 0 प्लस m2 कितना है बच्चों 150। ओके, अब r2 क्या है 0.50 प्लस m3 कितना है आपके पास 200 ग्राम। उसका वेक्टर क्या आएगा कंपोनेंट फॉर्म में, 0.25 और 0.25 √3। नीचे आएगा 100 ग्राम प्लस 150 ग्राम प्लस 200 ग्राम। बच्चों पहले हम 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, तो 0 0, यहाँ पे 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 0.5, तो यहाँ पे आएगा 75, 150 का हाफ। उसी तरह यहाँ पे देखिए 200 इंटू 0.25, मतलब कि 200 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होगा 50। सिमिलरली 50 √3 नीचे आ जाएगा, 100 प्लस 150 प्लस 200 450। अब हमें फर्स्ट x कंपोनेंट का एडिशन करना है। देखिए 0 प्लस 75 प्लस 50 मतलब 125, फिर y कंपोनेंट का एडिशन 0 प्लस 0 प्लस 50 √3, तो ये 50 √3 अपॉन 450। यहां पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे, तो 125 बाय 450, 50 √3 बाय 450। चलिए
125 होता है 25 इंटू 5, और ये जो 450 होता है वो 18 इंटू 25। यहाँ पे तो 50 रूट 3 ऑलरेडी है, ये 450, 25 से 25 कटेगा, ओके 5/18, 0 से 0 कटा, 5 9 ज़ा 45, रूट 3 से 9 को काटोगे तो क्या बनेगा, 1/3√3। तो बच्चों ये होगा हमारा आंसर, प्लीज नोट डाउन। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 7.2। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, मतलब कि ट्रायंगुलर प्लेट। सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ओके, और हमें इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिसिटी से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है उसकी साइड को डिसाइड करना है। सपोज ये पी क्यू एंड आर साइड हो गई, ओके, एक ट्रायंगुलर लेमिना की साइड है पी क्यू आर। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगुलर को स्ट्रिप में डिवाइड करना है, जो स्ट्रिप्स क्यू आर साइड के पैरेलल में होगी। ये फर्स्ट स्ट्रिप डिवाइड हो गई, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स आप बना सकते हो जिसके अंदर ये लेमिना डिवाइड हो गई। बच्चों अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी कोई भी यूनिफॉर्म लेंथ वाली स्ट्रिप होगी उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसका सेंटर पे होगा। मतलब कि इस वाली स्ट्रिप का सेंटर यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, सेम वे आपको हर एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास मिलेगा। जब आप इस सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, ओके, ये लाइन आपकी क्या बन गई, मीडियन बन गई। सेम वे बच्चों अगर आप इसी लेमिना को, अगर आप इसी लेमिना को टी आर साइड के अलोंग थिन स्ट्रिप में डिवाइड करोगे, ओके, ये हमने क्या कर दिया, पी आर साइड के अलोंग थिन स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों हमें सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से मिलेंगे, और इस सेंटर ऑफ मासिस में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो सपोज हमें यहाँ पे क्यू बी मीडियन मिल गई। सेम वे हम इसी लेमिना को, अगर हम इसी लेमिना को बच्चों पी क्यू साइड के पैरेलल में थिन स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमें स्ट्रिप्स मिलेगी, और ये सारी जो स्ट्रिप्स है उसके सेंटर ऑफ मास हम विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये सारे सेंटर ऑफ मास हो गए। अब यहां से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, एक लेमिना, ये हमें मीडियन मिलेगा जिसे हम सी बोल देंगे। बच्चों अब ये तीनों पी ए क्यू बी एंड आर सी तीनों को अगर हम ज्वाइंट कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा, ये आप देख सकते हो, ओके, ये था हमारा पी, ये क्यू एंड आर। बच्चों ये साइड, ये पॉइंट हमारा कौन सा था, सी, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, बी, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, नीचे ये ए पॉइंट, ओके। तो जहां पे पी ए क्यू बी एंड आर सी इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लेमिना, ओके। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं वेरी फंडामेंटल इलास्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर, वेक्टर ए 3i माइनस 4j प्लस 5k, वेक्टर बी माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे स्केलर प्रोडक्ट, क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ओके, इसका फॉर्मूला है एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मतलब कि फर्स्ट कोफिशियंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकंड कोफिशियंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस थर्ड कोफिशियंट का मल्टीप्लीकेशन। देखिए एक्स मतलब कि वेक्टर ए में जो एक्स कंपोनेंट होता है उसका कोफिशियंट जो होता है 3, बी एक्स में क्या होगा माइनस 2, यहाँ पे बच्चों माइनस 4, बी वाई होगा 1, ए जेड क्या होगा 5 और बी जेड क्या होगा माइनस 3, 3 2 ज़ा 6 बट वो माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 वो भी माइनस, 5 3 ज़ा माइनस 15, ओके बच्चों।
तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, -25। ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस बी, आई जे के, फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर ए का आएगा एक्स कंपोनेंट, यहां पे 3, यहां पे -4 और यहां पे 5, -2 फिर 1 और -3, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। ये सॉल्व करना भी हमने सीख लिया है। ओके, हमारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट हमें आई का कंपोनेंट लिखना है, तो आई ब्रैकेट बना लेंगे। आई जो कॉलम और रो में है उसके अलावा हमारे पास इतने कंपोनेंट्स बचते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, -4 × -3 = -5। अब बात करते हैं y के कंपोनेंट के लिए। y के लिए क्या होगा, j, ये जो j के पे उसके कोफिशिएंट क्या बनेंगे, 3 × 3 = -9, -5 × 5 = -10, प्लस k कैप के कोफिशिएंट के लिए जो k ये कॉलम और ये रो में है, तो हमें ये 3, 4, -2 और 1 से निकालना पड़ेगा। 3 × 3 - 2, 4 = 8। ओके, 12 - 5 क्या होगा, -7 आई के, -9 - - प्लस तो ये हो गया +10 - 9, 1 जे कैप, बट यहाँ पे माइनस है तो खाली जे कैप रहेगा, 3 - 8 यानी -5 के कैप बच्चों। तो इस तरह से आपको ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, जो क्या होगा -7 आई के प्लस 5, 7। बच्चों अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7.5। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i cap + 3j cap - 5k cap अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल व्हिच पोजीशन वेक्टर इज -i cap - j cap + k cap। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर गिवन है, उसे मेंशन कर लेंगे, i cap - j cap + k cap। उसका यूनिट गिवन नहीं है तो हम यूनिट लिख लेंगे, और फोर्स का वेक्टर गिवन है 7i cap + 3j cap - 5k cap, इसका यूनिट भी गिवन नहीं है तो यूनिट लिख लेंगे। वैसे हमें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। चलिए टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे पोजिशन वेक्टर आ रहा है, तो आई जे के नीचे पहले हम आई के कोएफिशिएंट लिखेंगे, 1 - 1 = 1, नीचे होगा 7p - 5, चलिए -1 × 5 = 5 - 3 = 3, ये हो गया आई का कंपोनेंट या तो आई का कोएफिशिएंट। फिर माइनस साइन जे के लिए ये रो और ये कॉलम के कंपोनेंट कंसीडर नहीं करने हैं, तो 1 - 5 - 5 - 7 = 7, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के लिए क्या करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो के पार्ट जो हमारे कंपोनेंट है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, 1 = 3 - 7 = 7, ये -7 होगा। अच्छा 5 - 3 = 2i, -5 - 7 - 12 और ये - +12 j cap, 3 - -7 यानी यहाँ पे आएगा 10 k cap। बच्चों ये हो गया हमारा आंसर, प्लीज मेक अ नोट।